अब जितनी बड़ी तादाद में एक साथ ये मजदूरों का दिल्ली से यूपी की तरफ पलायन हो रहा है, ये तस्वीरें थोड़ी चिंताजनक हैं। एक साथ इतने लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों से NH-24 पर दिख रहे हैं और ये सड़क उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों को जोड़ती है। क्या करते हो आप लोग दिल्ली में? सिलाई। हैं? सिलाई। कहाँ से आ रहे हो? सीलमपुर से। आप भी सीलमपुर से हो? मैं दिल्ली से रोहाणी से। और ये ज्यादातर लोग सीलमपुर के लोग हैं? हाँ जी हाँ। सारे जगह सीलमपुर, गांधीनगर, गुड़गांव, हरियाणा के सब लोग जहाँ गए। तो एक साथ इतने लोग कहाँ से आ गए? अभी पूरी दिल्ली के हैं, ये गाजियाबाद के भी हैं, आनंद विहार खिंचा हुआ है, आनंद विहार। तो आनंद विहार से भी छोड़ा है सबको आने के लिए? आने नहीं दे रहे थे तो बहुत इधर आए। आप बस नहीं है इधर तो जाइए। मिल तो कैसे जाइएगा आप? हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? कहाँ जाओगे? गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर कैसे यहाँ से जाओगे? ऐसे पैदल जाएंगे भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कोमल है। गोरखपुर कैसे पैदल जाओगे यहाँ? जाएंगे भाई सब। क्या तो वहाँ खाने पीने का कुछ इंतजाम नहीं है दिल्ली में? दिल्ली में इंतजाम होता भाई, सब कुछ जाते हैं। सुनना चाहिए, एक बस हर जिले का एक बस चालू कर देना चाहिए। लेकिन इतनी भीड़ में जाओगे तो जानते हो इससे भी परेशानी होगी। इतना सट सट के जाने से लोगों को इसमें वायरस फैलता है। लिखा रहेगा मरना तो कोई रोक नहीं पाएगा, जो मरना रहेगा। लाल कुआं के लिए सीधा जस के भाई, पता जा रहे हैं हम लोग बहुत।